आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई ब्लॉक प्रमुखों की बैठक, शासन की योजनाओं की दी गई जानकारी, सफल क्रियान्वयन की बनी रणनीति। दीपावली पर्व के अवसर पर महानगर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर दीप जलाने के लिए महापौर ने पार्षदों और आम नागरिकों से की अपील, कहा दीप जलाकर दे स्वच्छता का संदेश। एडीजी जोन की अध्यक्षता में संपन्न हुई रिजर्व पुलिस लाइन में प्रस्तावित मॉडर्न पुलिस लाइन के निर्माण संबंधित गोष्ठी, कहा पुलिस के सभी कार्यालयों को एक जगह किया जाएगा समायोजित। दूध में मिलावटखोरी का एक जागरूक व्यक्ति ने किया स्टिंग, फुटेज भेजा खाद्य विभाग को, सहायक खाद्य आयुक्त ने टीम संग मारा छापा, मचा हड़कंप, मिलावटी दूध का लिया सैंपल भेजा जांच को, रिपोर्ट आने पर होगी कड़ी कार्रवाई, मामला खजनी मोड़ का। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत बुधवार को जनपद के 16 थानों पर लगाया जाएगा पुलिस चौपाल, राजपत्रित अधिकारी सुनेंगे जनता की फरियाद, समस्या का मौके पर होगा निस्तारण। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 19वीं बैठक, पिछली बैठक के कार्रवाई की पुष्टि सहित विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा, 29 सड़कों के नामकरण पर बनी सहमति। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष व कथावाचक स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज मंगलवार को मीडिया से हुए रूबरू, कहा बदल रहा है गोरखपुर के साथ पूरा प्रदेश, 2024 में अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो जाएंगे रामलला। कांग्रेस पार्टी के किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से हुए रूबरू, कहा कि 31 अक्टूबर को पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सभा में 1,00,000 किसान होंगे शामिल, 2022 में प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। प्रदेश महामंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा युवा मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक, आमजन तक प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिए गए निर्देश, कहा 2022 में दोबारा बनेगी प्रदेश में भाजपा की सरकार। कोविड टीकाकरण में बढ़ी सेकेंड डोज लेने वालों की रफ्तार, मंगलवार को जिले के 223 केंद्रों पर 19,697 लोगों को लगाया गया कोरोना रोधी टीका, फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,351 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 13,246 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत जल गुणवत्ता जांच संबंधित कार्यशाला का हुआ आयोजन, प्रतिनिधियों को जल गुणवत्ता जांच के दिए गए प्रशिक्षण, घर घर पेयजल की शुद्धता बनाए रखने के दिए निर्देश।